विषय में सबसे ज्यादा डर लग रहा है? डर किसी भी विषय में नहीं है, नहीं जैसा प्रश्न आएगा वैसा बनाया जाएगा। तो पूरा अच्छे से प्रिपेयर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना हो पाए अपना बेस्ट देने का कोशिश करूँगा। इस बार निकलेगा कि नहीं निकलेगा? उम्मीद तो ऐसा ही कर सकते हैं कि एग्जाम डेट आगे बढ़ाया जाएगा। तो आयोग नहीं बढ़ाया था, क्या दिक्कत है? मान लीजिए आयोग कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। कहाँ पर सबसे ज्यादा डर लगता है? डर ऐसा कुछ विशेष डर नहीं है, लेकिन आप अगर तैयारी करते हैं तो बैक ऑफ द सीन्स कहीं ना कहीं आपके जहन में एक चीज़ है, एक फियर रहता ही है, एग्जाम प्रेशर तो रहती है। ठीक है, बाकी जो होगा बेस्ट करेंगे। तो छात्र नेता दिलीप भी बाहर आ गए हैं जी, खुशी है इस बात की? हां खुशी है कि अंतिम अंतिम तक बाहर आ गए। जी जी बिल्कुल। लेकिन अंतिम अंतिम तक परीक्षा की तिथि बढ़ाई नहीं गई। सही है, वो तो आयोग का फैसला रहता है अपना अपना किस तरह से हमें एग्जाम लेना है। हालांकि एग्जाम का तो पहले तैयारी था, जो 17 नवंबर था, डेट बढ़ के 13 दिसंबर हुआ। अब कितना पढ़ाएगा आयोग, ये भी तो सोचे स्टूडेंट। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटी। देखिए, आपने देखा था कि लगातार सुर्खियों में बना हुआ था बीपीएससी। आपने ये भी देखा कि अभ्यर्थियों की क्या कुछ मांगे थी। अभ्यर्थी चीख चीख कर कह रहे थे कि एग्जाम की तिथि को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन आपने देखा कि बीपीएससी ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, साफ साफ कह दिया था कि एग्जाम अपने तय समय सीमा पर ही लिया जाएगा। और आज 13 तारीख है और आज बीपीएससी 70वीं की परीक्षा है, और ऐसे में लाइव सिटीज की टीम इस वक्त एन कॉलेज के ठीक बाहर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि आप अभ्यर्थियों का अंदर जाना भी शुरू हो गया है। अभ्यर्थी अंदर जा रहे हैं, परीक्षा देने के लिए एंट्री शुरू हो चुकी है। तो आइए फिर ऐसे में अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं, सीधा सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभ्यर्थियों की तैयारी कैसी है और आज क्या कुछ होगा, और परीक्षा देने से पहले क्या कुछ कह रहे हैं अभ्यर्थी, वो आपको भी सुनाएंगे। तो आइए फिर उनसे बातचीत करते हैं। प्रसन्न कुमार राय। आप कहाँ से आए हैं? सिवान से आए। सिवान से आए हैं, क्या बात है, तैयारी कैसी है? ठीक है। ठीक है जी। पूरा पढ़ लिया है? जी है? रिवीजन हो गया है। रिवीजन हो गया है। किस विषय में सबसे ज्यादा डर लग रहा है? डर किसी भी विषय में नहीं है, नहीं जैसा प्रश्न आएगा वैसा बनाया जाएगा। बनाया जाएगा, लेकिन खूब हंगामा हुआ था। तो हंगामा हुआ था, हुआ था, लेकिन अंतिम अंतिम तक तिथि आगे नहीं बढ़ाई गई, इस बात का गुस्सा है? अब गुस्सा क्या है, आयोग का अपना विचार है, हम लोग स्टूडेंट हैं तो तैयारी, जब डेट हो गया तो एग्जाम तो देना ही है, एग्जाम देना है, एग्जाम देना है और निकाल भी लेना है, एकदम एकदम निकाल भी लेना है। जी जी, प्रिपेयर्ड है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद निगम। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मैं तो पटना से ही आया हूँ। पटना से ही है आप, कैसी है तैयारी आपकी? तैयारी तो अच्छी है, लेकिन अंदर जाने से पहले भी पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, लगता है कुछ बचा रह गया है। हाँ, थोड़ा सा बचा रह गया था, क्योंकि मैं फुल टाइम नहीं दे पाया अपनी तैयारी को, मैं जॉब में भी हूँ। अच्छा, आप जॉब भी करते हैं? हाँ, जी जी। पटना में हाई स्कूल का टीचर हूँ, टीआरई 2 के तहत बहाली हुआ था। ठीक है। तो स्कूल में भी टाइम देना पड़ता है। यानी कि आप सरकारी सेवक भी हैं, सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं? हाँ, तो पूरा अच्छे से प्रिपेयर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना हो पाए अपना बेस्ट देने का कोशिश करूँगा। इस बार निकलेगा कि नहीं निकलेगा? उम्मीद तो ऐसा ही कर सकते हैं। हाँ, अच्छे उम्मीद। ये बताइए, जब सरकारी नौकरी आपकी है ही, तो फिर बीपीएससी क्यों कर रहे हैं? मैं पहले भी यही तैयारी कर रहा था, लेकिन अच्छा। कोरोना टाइम आने के समय में जब हम इसकी तैयारी नहीं कर पाए, मेंस से चूक गए थे हम, तो फिर बीएड कर लिए बीच में। अच्छा। और फिर बीएड किए तो सर टीचर की नौकरी मिल गई, लेकिन हम फिर भी मेरा मन आखिरी तक यही है कि मुझे बीपीएससी में जाना है ऑफिसर के लिए, तो मैं इसका एग्जाम देता ही, इसलिए छोड़ा नहीं। हाँ, लास्ट अटेम्प्ट तक मैं कोशिश करता रहूंगा, लास्ट अटेम्प्ट तक कोशिश करता रहूंगा। क्या लगता है, इस बार निकलेगा कि नहीं? उम्मीद ऐसा ही किया जा सकता है। अच्छा, आपने देखा होगा खूब हंगामा हुआ था बीपीएससी 70वीं को लेकर के। हाँ, हुआ था, मैं देखा। गलत हुआ कि सही हुआ? अब देखिए, छात्रों का जो मांग है, हाँ, जायज, उनके अनुसार छात्र अपने अनुसार मांग रखते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन बीपीएससी आयोग इसको देखती है कि क्या सही है क्या गलत है, और सरकार भी जो है छात्रों के हित में फैसला लेने की कोशिश करती है जहाँ तक संभव हो। सरकार सही हुआ या गलत हुआ, देखिए इसका निर्णय आयोग लेगा। निर्णय आयोग। कुमार कुशवाहा, कैसी है तैयारी? जी बिल्कुल ठीक है तैयारी जी, निकल जाएगा।
बिल्कुल तैयारी तो अपने तरफ से पूरी है। तैयारी पूरी है, अब तो छात्र नेता दिलीप भी बाहर आ गए हैं। हाँ जी, तो खुशी है इस बात की। हाँ, खुशी है कि अंतिम अंतिम तक बाहर आ गए। जी जी बिल्कुल, लेकिन अंतिम अंतिम तक परीक्षा की तिथि बढ़ाई नहीं गई। सही है, वो तो आयोग का फैसला रहता है अपना अपना। हाँ, किस तरह से हमें एग्जाम लेना है। हालांकि एग्जाम का तो पहले तैयारी था जो 17 नवंबर था, डेट बढ़ के 13 दिसंबर हुआ। अब कितना बढ़ाएगा आयोग ये भी तो सोचे स्टूडेंट। अब कितना बढ़ाएगा आयोग ये भी तो सोच ले स्टूडेंट। क्या नाम है? अनुराग सिंह। क्या पढ़ रहे हैं अनुराग? हम अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन कर रहे हैं, तैयारी हो गई? हाँ हाँ तैयारी है। कहाँ पर सबसे ज्यादा डर लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा है, हम क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, हम दिल्ली से आए हैं तो मुझे डर। दिल्ली से आए हैं परीक्षा? हाँ जी जी जी। तो आप क्या लग रहा है? हो जाएगा, मतलब कोशिश तो यही रहेगी हमारी कि हो जाना चाहिए। रविशंकर कुमार। क्या हाल है रविशंकर जी? ठीक है मैडम। ठीक है, तैयारी बढ़िया चल रही है? तैयारी बढ़िया है, एकदम हो जाएगा। हो जाएगा। थोड़ा सा डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा। आप लोग पास में थे कि एग्जाम डेट आगे बढ़ाया जाएगा? तो आयोग ने बढ़ाया था, क्या दिक्कत है? मान लिया आयोग, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। पूरा पढ़ लिए हैं? हां पूरा पढ़ा। एकदम धुआं धुआं करते हैं अंदर। डर वर लग रहा है? कोई डर नहीं लग रहा, कोई डर नहीं लग रहा है, सब पता है, सब जानते हैं, सब पता है, तैयारी पूरी है। देखिए कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है? अमित दुबे। कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से आए हैं परीक्षा देने के लिए? पूरा पढ़ लिए हैं? हाँ रिवीजन एक बार कर लिए हैं, एटलीस्ट कई बार पढ़ चुके हैं। कहाँ पर सबसे ज्यादा डर लगता है? डर ऐसा कुछ विशेष डर नहीं है, लेकिन आप अगर तैयारी करते हैं तो बैक ऑफ द सेंस कहीं ना कहीं आपके जहन में एक चीज़ है, एक फियर रहता ही है, एग्जाम प्रेशर तो रहती है। ठीक है, बाकी जो होगा बेस्ट करेंगे अपना। बाकी जो होगा बेस्ट करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि बीपीएससी 70वीं को लेकर के किस तरह से बवाल हुआ था। हाँ काफी सारे प्रोटेस्ट चले थे बैक ऑफ द सेंस, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीजें अपनी मांग के लिए होती, काफी चीजें नॉर्मलाइजेशन से लेके क्लियर नहीं थी, आयोग ने क्लियर किया, बाकी चीजें सही है। मांगे जायज थी अभ्यर्थियों की? हाँ डेफिनेटली मांगे जायज थी, नॉर्मलाइजेशन कहीं भी होगा तो वो स्वीकार नहीं होगा, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द सेंस उसके पीछे आप देखेंगे बहुत करप्शन फ्रॉडगिरी और ये सब सारी चीजें लगी रहती हैं उसके साथ। तो स्टूडेंट इतना तो स्टूडेंट और उसके साथ अच्छे अच्छे टीचर्स खान सर और ये लोग हैं तो ऑब्वियसली किसी जायज मांग के लिए कर रहे थे, और आयोग ने उसको क्लियर किया। हाँ। वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो जल्दी क्लियर कर देते तो शायद इतना रश नहीं होता। बात जल्दी क्लियर कर देते तो इतना रश नहीं होता। आपका नाम क्या? विकेश कुमार। आप कहाँ से आए? समस्तीपुर। आप समस्तीपुर से आए हैं, खूब बवाल हुआ था, बवाल के वक्त यही थे आप? नहीं यहाँ नहीं थे, वहीं घर समस्तीपुर में रह के पढ़ाई करते। अच्छा, तो डर लग रहा था कि कब क्या ऐलान हो जाए? नहीं डर क्या लगेगा, प्रिपरेशन चल रहा था तो डर क्यों लगेगा। प्रिपरेशन चल रही थी, अब तो छात्र नेता दिलीप भी बाहर आ गए। हाँ खुशी की बात है, खुशी की बात है। हाँ लग रहा है कि चलो अच्छा हुआ कि दिलीप भी बाहर आ गए। नहीं वो उनको जेल का जो वो गलत हुआ है, गलत हुआ था, गलत हुआ था मेरे साथ। आपकी तैयारी कैसी है? अच्छी तैयारी है, तैयारी तो अभी ठीक ठाक है। पूरा कहाँ से है? गया से। गया से है, खूब हंगामा हुआ था जी, लेकिन अंतिम अंतिम तक डेट आगे नहीं बढ़ाया गया। डेट कोई मुद्दा ही नहीं उछाला सही से, मुद्दा ही नहीं उछाला सही से। यहाँ अभ्यर्थियों को पीटा गया, लगातार अभ्यर्थी आस में बैठे रहे और आप कह रहे मुद्दा ही नहीं, मुद्दे से भटक गया अभ्यर्थी ना, एक मुद्दा चाहिए था बट बहुत सारे मुद्दे पर लड़ रहे थे अभ्यर्थी। अच्छा, बहुत सारे मुद्दों पर अभ्यर्थी खुद में ही लड़ रहे थे, और पहले से भी डेट एक्सचेंज हो चुका था मैम, इसलिए शायद डेट नहीं बढ़ाया विभाग ने। क्या होगा? क्या होगा? एग्जाम होगा, जो होगा सही होगा। जो होगा सही होगा, क्या होगा? एग्जाम होगा। मैं आपका अमित कुमार। परीक्षा देने आए हैं? क्या पढ़ रहे हैं आप? अभ्यास है, युद्ध अभ्यास। अच्छा कैसी तैयारी है? बढ़िया है, खान सर से पढ़े हैं। खान सर से पढ़ के आए हैं यहाँ पर, तो बीपीएससी प्रोटेस्ट में भी आप होंगे शामिल? नहीं हम चंपारण से है ना, पश्चिमी चंपारण से। तो घर अच्छा, तो आप चले ऑनलाइन? ऑनलाइन ऑनलाइन से पढ़ते हैं ना? ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन खूब हंगामा हुआ है इस बार। हुआ था, अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। बढ़ाया जाए चाहते थे, आप भी चाहते थे? हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आप तैयारी है कि नहीं है? तैयारी है, तैयारी है। अच्छी जाएगी ना परीक्षा? अच्छी जाएगी परीक्षा। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार जी। आलोक कुमार कैसा है परीक्षा की तैयारी कैसी है? परीक्षा मेरा नहीं है, परीक्षा इनका। मधु मिश्रा जी। मधु मिश्रा। मधु कहाँ से आई हैं? मैं खलीलाबाद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आई हैं बिहार में परीक्षा देने के लिए। जी जी। तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी लगभग 6 महीने से रही है। लगता है कि निकल जाएगा?
पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार प्रयास है कि अच्छा मतलब पॉजिटिव रहे रिजल्ट। जब हंगामा हो रहा था बिहार में बीपीएससी 17वीं को लेकर, क्या आप यहीं थी? नहीं, मैं तो यहाँ की नहीं होना, तो मैं अपने वहाँ पे थी, उत्तर प्रदेश में ही। जी जी, लेकिन देखा होगा खबरों में। जी, नॉर्मलाइजेशन को लेकर। हाँ, तो डर लग रहा था? नहीं, मुझे मतलब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे और स्पेशली स्टूडेंट पे बिलीव था कि जो भी रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, जो भी मतलब प्रोटेस्ट हुआ था उसका। अभिषेक, तैयारी कैसी है? तैयारी तो बढ़िया ही है। बढ़िया है, लेकिन आप लोग तो लगातार मांग कर रहे थे कि एग्जाम डेट बढ़ा दिया जाए। नहीं नहीं, सही हो रहा है जो हो रहा है, सही हो रहा है जो हो रहा है। एग्जाम अपने तय सीमा पर ही होना चाहिए था, एग्जाम इससे और विद्यार्थी का समय बर्बाद होता है। तो सुना आपने कि अंदर जाने से पहले अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा है, दर्द छलका है, गुस्सा भी फूटा है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।